नमस्कार दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो हाजिर एक न्यू वीडियो लेकर, और अभी हम करने आ रहे हैं फुल बॉडी वर्कआउट, क्योंकि बहुत से भाई बोल रहे थे कि भाई कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताओ जो हम मतलब डेली करें और हमारा शरीर अच्छा रूटीन में आ जाए। तो अभी मैं उन्हें बताने वाला हूँ कि हमें क्या क्या करना है तो डेली वर्कआउट में हमारा। तो आप जो मैं आपको बताऊँगा एक एक साइड हर चीज़ के, आप वो डेली में लगा सकते हैं। तो इससे क्या क्या, हमारी पूरी बॉडी है जो हमारी फुल बॉडी, तो उसका वर्कआउट हो जाएगा, पूरी बॉडी हमारी पंप हो जाएगी। तो इसमें हम सबसे पहले लगाएंगे पुशअप। तो सबसे पहले लगाने हमें इसमें पुशअप। पुशअप में क्या है कि जो हमारा शरीर है वो पूरा हमारा खुल जाएगा, और इसके बाद हमें इस तरीके से अपने हाथों को इधर उधर रखना है, और इस तरीके से वार्म अप करना है, इस तरीके से। तो ये हमारा दूसरा वार्म अप हो गया, इसे हम 3 बार करना है, इसके हम मैक्सिमम सेट लगा सकते हैं। अब इसके बाद करेंगे हम अपना वर्कआउट। तो सबसे पहले करेंगे हम चेस्ट का वर्कआउट। इसमें आप ईंट ले सकते हैं, यदि आपके पास ईंट नहीं है तो आप रोड डब्बल में प्लेट भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बेंच पे लगाने वाले हैं। तो अभी मैंने लिए 2 डब्बल और ये मेरे पास है बेंच। तो आप ईंट भी ले सकते हैं या आप रोड से मार सकते हैं, साइड को पीछे रोड रखी है। इस तरीके से अपने हाथों को चेस्ट के सामने ऊपर लेके जाना है, इस तरीके से चेस्ट को ऊपर, सिरो नीचे, इसके बाद ऊपर। और जब आपका ये सेट आप कंप्लीट कर रहे हैं तो चेस्ट का, तो उसके बाद हमें इसमें एक सेट और ऐड करना है, जोड़ लेना है इस तरीके से अपने, इस तरीके से यहाँ जाकर, और इसे यहाँ अपने दोनों डब्बल इस तरीके से एक साथ रखकर, और इसे ऊपर कुछ इस तरीके से एकदम ऊपर लेके जाना, धीरे धीरे नीचे, ये ऊपर। तो ये था आपका चेस्ट का वर्कआउट। इसमें मैंने आपको 2 सेट बताए, ये आप करने हैं। इसके बाद लगाना है हमें अपना बाइसेप। तो इन्हें डब्बल से लगा कर दिखा देता हूँ मैं, इस तरीके से बैठना है और अपने हाथों को यहाँ रखना है इस तरीके से, और फिर ये ऊपर लाना है इस तरीके से, यहाँ इस पोजिशन में। तो उसके बाद इससे इस तरीके से आप, जब आप इस साइड को इसके मतलब जितने आपके इससे रैप लगते हैं, लगाने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ रखना है अपने हाथ को, और पूरी ताकत के साथ इस तरीके से इसके हाफ साइड लगाने, इस तरीके से। तो ये हमारा जो बाइसेप का सेट है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसे भी आप 3 बार कर सकते हैं और इसके मैक्सिमम रैप निकाल सकते हैं। अब इसमें हमारा अगला है ट्राइसेप। तो ट्राइसेप क्या करना है हमें, एक ऊंची जगह देखनी है, या आपके पास कोई ऊंची जगह होगी देख सकते हैं आप। मेरे पास बेंच है तो मैं इस पर लगाऊंगा। लगाना किस तरीके से, आपको इस तरीके से अपने हाथों को यहाँ रख लेना है, इस तरीके से यहाँ, और उसके बाद इस तरीके से हमारा ट्राइसेप का वर्कआउट है। इसे हमें 3 बार करना है, और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इस तरीके से ट्राइसेप की पोजिंग करनी है। इससे जो हमारा ट्राइसेप है, तो जो हमारा ट्राइसेप का पिछला हिस्सा है ये वाला, तो ये क्या है कि पीछे की तरफ जाएगा, इससे हमारा ट्राइसेप अच्छा ग्रो करेगा। अब इसमें हम अगला सेट आते हैं हम शोल्डर का। तो मैं शोल्डर का भी यहीं बता देता हूँ इसी पर।
तो इस तरीके से अपने डब्बलों को यहाँ और इस तरीके से लाना है, अपने हाथों को लगो यहाँ, इसके बाद ऊपर इस तरीके से, इसके बाद नीचे, टुकली ऊपर लेके जाना है, फिर ये सिलो नीचे, फिर ये एकदम ऊपर, फिर धीरे से सिलो। तो ये था हमारा शोल्डर का सेट, इसे भी हम जब अपने वर्कआउट में शामिल करेंगे तो इससे इस सेट को हमें अच्छे से करना है, और इसके हमें 3 रैप निकालने हैं, 3 बार करना है और इसके मैक्सिमम रैप निकालने हैं। तो ये था हमारा आज का फुल बॉडी वर्कआउट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आए, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।